हेलो गाइस, सो मेरा नाम है कल्प वैद्य और बेसिकली मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो और आप लोग को इसमें आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग और आज की पूरी वीडियो डेडिकेटेड है इंस्टाग्राम को। सो बेसिकली यार, इंस्टाग्राम में मैंने अपना करियर कैसे बनाया, मैंने उससे पैसे कैसे कमाए, ये सारी चीजें जो ए टू जेड नॉलेज है आज इंस्टाग्राम के बारे में, वो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यार बात करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं अपनी लाइफ स्टोरी अपनी थोड़ी सी बताने वाला हूँ और बीच बीच में थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को मिल जाएगी। सो बेसिकली इंस्टाग्राम से स्टार्ट मैंने किया था 2020 में आई स्टार्टेड बेसिकली, और लाइक जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था और कोविड में कुछ भी नहीं था, तो आई स्टार्टेड विद द इंस्टाग्राम जर्नी। एंड बेसिकली यार, अब चीज़ ये थी ना कि इंस्टाग्राम पूरा टाइम इंस्टाग्राम 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 चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पहली चीज़ तो हम लोग घर पे बैठे हैं, घर पे कुछ भी करने के लिए नहीं हमारे पास, तो लाइक बस ऐसे उसके लिए चल रहा था टाइम पास। अब द थिंग वॉज कि अब इंस्टाग्राम के साथ साथ मैं और क्या प्रोडक्टिव मैं कर रहा था। सो द थिंग वॉज आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स जब मैं इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहा था। अब बात करते हैं यार कि आप लोग इंस्टाग्राम में, आप लोग को अगर ऐसा अपना चैनल स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली जो जो गलतियां मैंने की वो मैं आप लोग को बताऊंगा, जो आपको नहीं करनी चाहिए। बेसिकली मैंने सबसे पहले तो अपना जो लाइक पर्सनल अकाउंट था उसको प्राइवेट अकाउंट था उसको मैंने क्रिएटर अकाउंट बनाया, और उसके बाद मैंने सेम अकाउंट को ही कंटिन्यू करके स्टार्ट कर दिया। बट दैट वॉज नॉट द राइट अप्रोच। यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश पेज, जिसका खुद का एक नया ईमेल आईडी बनाओ, उससे नया पेज बनाओ, उससे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाओ एंड अदर स्टफ्स। द राइट वे इज दैट, उससे जो आपकी ग्रोथ होगी ना वो भी बहुत जेन्युइन होगी, साथ साथ में आप लोग को ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, डेफिनेटली येस। बट एक टाइम के बाद आप ऐसे हो जाओगे कि हाँ भाई, मतलब इसी नीश में मेरे को आगे बढ़ना और सिर्फ इसी के रिलेटेड मेरे वीडियोज होंगे, तो आप एक डिफाइंड नीश में चले जाओगे। That was the first mistake I did, but like I am happy whatever I am having right now. ठीक है, तो आप ये गलती मत करना, आप अपने पर्सनल अकाउंट को ही प्रोफेशनल अकाउंट मत बना लेना, अलग से प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पूरी प्लानिंग करने के बाद। ओके, उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था इंस्टाग्राम पे, बट वहां से मुझे रिवर्ट अच्छा मिल रहा था, क्योंकि उसका रीजन था आई एम एन काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट। सो मैं बेसिकली सब लोग के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता था, मैं लोगों को डीएम करने से कभी नहीं डरता था, तो मैं पागलों की तरह डीएम करता था, जितने लोग मिल जाए, जितने लोगों से मैं अपना ग्रुप बना बड़ा कर पाऊँ मैं करता था। ठीक है, और ऑनलाइन शायद से बहुत लोग रियल टाइम में थोड़ा शाय हो जाते हैं, बट इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड आप लोग को शाय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक किसी को अच्छे वे में अप्रोच करो, हे माय नेम इज दिस दिस दिस, कैन वी कनेक्ट, दिस वॉज द सिंपल अप्रोच। आपको कोई भी रिप्लाई कर देगा, मोस्ट प्रोबेबली कोई भी आपको ईजिली रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो बेसिकली यार आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम का आपने पेज स्टार्ट कर दिया, नीच डिफाइन कर लिया, आपने पेज बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ों को अब आपको चाहिए फॉलोअर्स। तो आप बेसिकली फॉलोअर्स कैसे गेन करें, आप मेरे आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी आप लोग को कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स, आप वो रेफर कर लीजिए, आपको बढ़िया सा हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, आपके फॉलोअर्स भी गेन होने स्टार्ट हो गए, आपको फर्स्ट एक बूस्ट मिल गया। उसके बाद आपकी जब 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, वो वहीं तक की वीडियो है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करो, आप लोगों के साथ फॉलो फॉर फॉलो बैक सिस्टम पे काम करो, आपकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, बट द थिंग इज कि आप उन लोग से सीख रहे हो, उन लोग ने उतने फॉलोअर्स कैसे बनाए, आप उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो एंड दैट रिलेशन इज गोइंग टू मेंटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और आप उनसे भी सीख रहे हो, वो भी आपसे कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि हर एक के माइंड में अलग टाइप की क्रिएटिविटी है, नो वन इज सिमिलर इन दिस वर्ल्ड। सो बेसिकली हर एक के पास एक अपना खुद का कुछ क्रिएटिव चीज है, वो सेम फील्ड में भी 10 अलग चीजें कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यार आप लोग ने अपनी एक नीच डिफाइन कर ली, उसके बाद आपने ये सारी चीजें करी, उसके बाद आप जब इतने लोगों से कनेक्ट हो रहे हो तो आप उन्हें आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो कि हाँ भाई, आप उससे पूछ रहे हो कि भाई तूने इतने फॉलोअर्स कैसे बनाए, मुझे भी हेल्प चाहिए। आप ट्राई करो कि उसके फॉलोअर्स जो है या उस पर जो एंगेज कर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स को अपने फॉलोअर्स बनाने की कोशिश करो, क्या वो बन जाते हैं, क्या आपका वो लाइक कॉन्टेंट बैठ पा रहा है, क्या आप उतना इफेक्टिव कॉन्टेंट लोगों तक दिखा पा रहे हो, आप क्या वो चीजें कर पा रहे हो जो वो कर रहा है या वो कर रही है। दैट इज द थिंग, आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो आज तक शायद कोई नहीं कर पाया है, आपको बाकी लोगों से डिफरेंट रहना है। अब आ जाता है यार ब्रांड्स अप्रोच। बेसिकली ब्रांड अप्रोच क्या होता है ना, आप लोग को ब्रांड्स को अप्रोच करना है फॉर द स्टफ की लाइक वी वॉन्टेड टू कोलैबोरेट विद यू एंड लाइक आई वॉन्टेड टू
प्रमोट योर ब्रांड ऑन माई पेज। सो ऐसे करके उसको एक हम्बल, एक अच्छा सा प्रोफेशनल मैसेज डालना है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिलेंगे, पर आप लोग को हार नहीं माननी है। मैं भी बहुत ज़्यादा डीएम करता था, मैं आपको अगर बता दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 100 से 120 डीएम करता था पर डे। इन रिटर्न रिवर्ड मिलता था 5 या 10 लोगों से, कभी कभी तो एक या दो रिवर्ड्स भी आए हैं, बट अच्छी फ्रेंड्स आए तो दैट वॉज अ गुड स्टोरी। बट द थिंग इज कि अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे, आप एक स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द थिंग, आपको एक खुद पे चांस लेना पड़ेगा, आपको एक अच्छा स्टार्ट लेना पड़ेगा। दैट इज द मस्ट थिंग। ओके, सो बेसिकली आपने स्टार्ट ले लिया, आपने ये सारी चीजें कर ली, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अब आते हैं हम लोग आपको उसको और अच्छे से चैनलाइज कैसे करना है, ठीक है। सो अब आपने फॉलो फॉर फॉलो बैक सिस्टम कर लिया। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ फॉलो फॉर फॉलो बैक सिस्टम होता क्या है। फॉलो फॉर फॉलो बैक सिस्टम इज, मेरा प्रोफाइल है, आप भी एक पर्सन हो, आप एक ऑब्वियसली एक क्रिएटर हो, मैं भी एक क्रिएटर हूँ। मैंने आपको डीएम किया कि आई लव योर कॉन्टेंट, कैन वी फॉलो ईच अदर। आपको एक हम्बल वे में उन्हें रिक्वेस्ट करना है। बहुत से ब्लॉगर्स हैं वो अग्री कर जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो अग्री नहीं करेंगे। अगर जो नहीं कर रहे हैं उनसे पूछो, उनके पीछे पड़ो थोड़ा सा अच्छे वे में। ऐसे नहीं कि भाई रोज के अब 10 मैसेज उसको करने चालू कर दे, वो बंदा इग्नोर करने लग गया, ऐसा नहीं करना है। उन्हें अच्छे वे में पूछो कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू कैन नॉट फॉलो मी बैक, और व्हाई वी कैन नॉट फॉलो अस ईच अदर। और आपको स्टार्टिंग में एक बेसिक चीज बता देता हूँ, आपके 1000 फॉलोअर्स अगर आप 50 के 100 के वाले को मैसेज करके बोलोगे कि भाई मुझे कर, उसे कोई दिलचस्पी नहीं आपको फॉलो करने में। दैट इज द सिंपल स्टोरी। आपको अपने लेवल के लोग ढूंढना है। 1000 फॉलोअर्स है तो 1000 से 5000 से 10000 तक की लिमिट है आपकी। 10000 से ऊपर वाले को आप अप्रोच मत करो कि भाई फॉलो कर, आपको सिर्फ रिजेक्शन मिलेगा। तो पहले तो अपनी ऑडियंस डिफाइन कर लो, पहले तो अपनी नीच डिफाइन कर लो, ये सारी चीजें डिफाइन करो, उसके बाद लोगों को अप्रोच करो। तो दैट इज द प्रॉपर अप्रोच, जिससे लोग आपके रिप्लाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो आपने, आप एक साथ उन्हें, आप स्टार्टिंग में तो आप ऐसे हेल्प करो जैसे मैंने किया था। जब आपके 1000-2000 फॉलोअर्स होते हैं ना, तो आप उसी लेवल के लोगों को या उसी उतने फॉलोअर्स रेंज के लोगों को आप मैसेज करो और उन्हें बोलो कि भाई मुझे लाइक, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो फॉर फॉलो बैक कर सकते हैं क्या। एंड ऑब्वियसली वो आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भी ग्रो करना चाहता है, आप भी ग्रो करना चाहते हो। बहुत कम लोग होंगे जो मना करते हैं, बट इट्स ओके। आप उनसे रीजन पूछ लो कि क्यों हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी तो क्या प्रॉब्लम है, या मेरा पेज में आपको ऐसा क्या दिख गया जिससे हम एक दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सबका जेन्युइन रीजन आता है, जैसे कि कोई सिर्फ और सिर्फ फूड रिलेटेड कंटेंट डालता है तो वो सिर्फ फूड ब्लॉगर्स को फॉलो करना पसंद करेगा। अगर आपका एक लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंस का पेज है तो वो आपके पेज को फॉलो नहीं करेगा। उसका एक जेन्युइन लेजिट रीजन है कि उसकी फीड में फिर फाइनेंस की चीज आएंगी जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोग उन चीजों को लेकर बहुत सीरियस भी होते हैं, बट द थिंग इज आपको वैसा नहीं बनना है। मेरे हिसाब से यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जब आप अपने नीश में या अपने उसमें बहुत अच्छा करने लग जाओगे ना, उसके बाद आप ये सब करो। बट स्टार्टिंग स्टेज में आपके लिए बहुत ही वाइडर ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि उस रेंज में फॉलोअर्स वाले भी काफी कम लोग हैं, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें ट्राई करनी है। और डेफिनेटली यार, अगर आपको अभी तक मैंने जितना बताया वो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार। और कोई भी सजेशन हो, आपको एक भी ट्रिक अच्छी लगी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सबका रिप्लाई कर दूंगा। प्लस डेफिनेटली यार, मैं स्टार्टिंग के जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोग के लिए ये स्पेशली बोलूँगा कि आप लोग के लिए मैं ऐसे बोनस थिंग डाल देता हूँ। आप लोग मुझे यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए और मेरा कोई भी एक टॉपिक को पकड़ के मुझे बताइए कि सर मुझे आपका ये वाला पार्ट इसमें गलती लगा या फिर ये अच्छा लगा। तो मुझे जो भी सजेशंस मिलेंगे उससे मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा फॉर श्योर। बट इन रिटर्न आई एम डैम श्योर मैं आप लोग को उस चीज़ का फॉलो बैक दूंगा इंस्टाग्राम पे। अभी मेरे पास खाली इंस्टाग्राम की एक है, वो एक ग्रेटर ऑडियंस है, तो आई गिव यू अ फॉलो बैक इन अ गिफ्ट। सो आई कैन डू दिस फॉर यू गाइज। जैसे जैसे मैं कुछ भी और करता जाऊंगा, मैं ऐसे काइंड ऑफ गिव अवेज अरेंज करूंगा। जैसे इंस्टाग्राम पे आई डिड सो मेनी गिव अवेज, सिमिलरली मैं यूट्यूब पे भी गिव अवेज करूंगा। बस मुझे आप लोग का सपोर्ट, प्यार और सिर्फ साथ चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बैक टू द वीडियो गाइस। अब बेसिकली हम लोग आ जाते हैं, आप लोग ने अपनी ऑडियंस और सब कुछ आपका हो चुका है, अब आपके लोगों से कनेक्ट भी होने लग गया, आपके अब ग्रोथ बढ़ गई है। अब आता है आपको ब्रांड्स अप्रोच को और प्रोफेशनल और बड़ी ब्रांड्स प्लस एजेंसीज को अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल आप वडोदरा में रहते हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, कंट्री, स्टेट सब कुछ है आपको, आप वहां पर रहते हो, बट प्रोसेस हर जगह पे सेम है। एक बेसिक प्रोसेस है, आपको
आपकी नियर बाय जो एजेंसीज हैं, जो कोलैबोरेशंस या जो ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनके साथ कनेक्ट में रहना है, उनके डेटाबेस में आपका ईमेल आईडी फोन नंबर होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। अगर वो है, जैसे ही उनके पास कोई एक बड़ी ब्रांड का कोलैबोरेशन आएगा, उन्हें चाहिए 100 इन्फ्लुएंसर्स एक साथ ब्रांड को। बड़ी ब्रांड्स कभी भी ऐसे छोटे बल्क में या ऐसे कभी काम नहीं करती है। आपने शायद बरखा सिंह के वीडियो जो रिपोस्ट होंगे ना, वो भी देखे होंगे, और वही सेम वीडियो आपने बहुत सारे दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के फीड पे भी देखे होंगे। यू हैव नोटिस दिस थिंग सो मेनी टाइम्स, जैसे पेप्सी हो गया, बहुत सारी डिफरेंट है। तो उसकी, अगर मैं आपकी पेप्सी की बात करूँ, तो ये सारे जो कोलैबोरेशन है वो गीक एनिमल्स करके है एजेंसी, वही हैंडल करती है। तो हर साल हर बार गीक एनिमल्स के थ्रू ही आपको पेप्सी का कोलैबोरेशन मिलेगा। दैट वॉज द परफेक्ट थिंग। तो आपको एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है। अभी मैं ऐसे बड़ी एजेंसीज का नाम ले लूंगा, बट उनसे आप पॉइंट ऑफ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो दैट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। धीरे धीरे मैं सब कुछ आपको इस पूरे चैनल में सिखाऊंगा, आप लोग को मैं लीड्स देता रहूंगा, सब कुछ दूंगा यार, डोंट वरी। बस सब्सक्राइब करके रखना और सपोर्ट करता रहना आपके भाई को। सो गाइज, बेसिकली अब आपको जो आपकी छोटी एजेंसीज है, आपके नियर बाई एरिया में जो भी एजेंसीज है, गूगल कर लो या जो भी आप हेल्प कर सकते हो आप करो। उसके बाद उन एजेंसी से कनेक्ट करके रहो, जैसे ही उनके पास कोलैबोरेशन आता है उससे आपकी फीड स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते जाओगे, दूसरी ब्रांड्स को आप इतना इजीली अप्रोच कर पाओगे कि भाई मैंने इतनी बड़ी ब्रांड के साथ काम किया है, अब मुझे आपके साथ काम करना है। दिस वे यू कैन कन्विंस द ब्रांड, यू आर हैव टू, लाइक यू हैव टू अ गुड कम्युनिकेटर, दैट इज द की रोल, राइट? सो बेसिकली आप लोग को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आई होप गाइज यू लव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।